और नहीं पूछेगा तो फिर मैं अपने मन से कुछ भी बोल दूंगा और लीजिए देना 10-5 मिनट। तो ये सब शुरू होता है 11 से 11 में सब अपना करियर देखने लगते हैं कि क्या करना क्या करना। मैंने भी देखा दो चार दोस्तों बात हुई कि जे ही करते हैं, मैंने कहा हाँ जे ही करते हैं, ये बहुत सही है। तो 12th में आ गए, NDA का कोई सीन नहीं था मेरे दिमाग में, मैंने कहा दे देंगे जाना नहीं जाएंगे जे ही में। जे ही फिर जब एंड में 12th के एंड में आया तो मैंने NDA का रिटर्न दिया, जो मुझसे क्वालिफाई नहीं हुआ तो 12th रनिंग के साथ। और तो एग्जाम देने के बाद फिर क्योंकि एग्जाम देखते हुए दिक्कत क्या आ गया, कुछ भी सर्च करो तो ऐसे होते हैं ऐसे ही उसके शॉर्ट्स आने लगे, तो भाई वॉल्यूम क्लीन आगे सामने और दिमाग खराब हो गया मेरा, मैंने डेली करते हैं जे को छोड़ देते हैं। तो असल में मैं 2 नाव में था ना, उससे जे भी ना रिटर्न निकला, तो फिर जे ही खराब हो गया और उसे रिटर्न नहीं निकला। तो फिर मैंने जे ही ड्रॉप किया और साथ में मैं NDA में भी फोकस करने लगा ड्रॉप ईयर में। तो फिर जो 12th के बाद मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो रिटर्न क्लियर हो गया। तो मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट था तभी मैं यहाँ पर कोचिंग के लिए आया, वो एक्चुअली मेरा रिटर्न भी क्लियर हुआ था और मुझे टेक्निकल एंट्री में भी कैंडिडेट मिल गया था जे की वजह से। तो मैंने आया था DS के लिए क्योंकि वो जो उस टाइम था फिर मैं आया, मैंने कोचिंग की जो कि भारत जैसे काफ़ी कम दिन थे, तो सर ने कहा कि वो सब चीज़ें जो शुरू में कंडीशन होती है वो हटा दें, उसी मुद्दे की बात करते हैं। कहते थे ना कि स्टोरी लिखी जो बहुत बड़ी याद थी, कोई डाउट नहीं है उसमें। और कुछ सर ने मुझे याद है वो वेट टेस्ट था, तो वेट में वो वर्ड थे सेंटेंस बनाने थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था, उससे पूछ लिया कि ब्रदर, मैंने कहा पावर, वो कह रहे नेशन वगैरह इंडिया, तो फिर सेंटेंस बनाने उनके उनसे सेंटेंस नहीं निकलता चले कि वर्ड निकलता। और फिर शायद क्योंकि 12 दिन थे तो सर ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जीडी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसी में दिखेगा, उसी में अगर आपने कभी किया ना हो तो दिक्कत होगी। और मेरे साथ ये था कि मतलब बचपन से मतलब एटीट्यूड ऐसा था कि जिस चीज़ में हम अच्छे नहीं उसमें हम जाएंगे हमें, क्योंकि अगर रूम में बैठा तो जैसे चीज होनी चाहिए वो एक चीज़ में अगर पीछे खींच देती थी, कहीं ऐसे रूम में नहीं जाना जहाँ पे जल्दी हो जाए। क्रिकेट ही खेलेंगे, फुटबॉल नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं आती, क्रिकेट खेलेंगे हमारी इज्जत मिलेगी ऐसा। तो इसीलिए कभी किसी चीज़ में पार्ट नहीं लिया मैंने, डांस हुआ कोई भी ऐसी एक्टिविटी का। स्कूल के GD में भी बहुत कम पार्टिसिपेशन थे, कुछ नहीं थे, तो उस वजह से थोड़ा हमेशा बैक फुट पे रहा शायद था, तो शायद नेचर नहीं था, पर जस्ट क्योंकि ऐसा अपने आप को ट्रेनिंग किया तो नहीं बोल पाया। तो पहले दिन जीडी हुआ, कॉन्फिडेंस आपके रास्ते में, मैंने क्या ये GD कर देंगी, मैं बैठा स्टार्ट हुआ, दो चार लोग थे, एक दीदी थी मेरे नाम याद नहीं, सरोज थी, तो वो लोग बोलना शुरू हुए और मैं कह रहा ये क्या है, ऐसी थोड़ी ना होती GD को बीमें करनी होती हैं, ये क्या है। तो मुझसे कुछ नहीं बोला गया, लेकिन मैंने खुद को डाउट नहीं किया, जैसे मैंने कहा ना मैं हमेशा खुद को आ जाता हूँ, तो मैंने खुद को डाउट नहीं, मैंने प्रोसेस ही गलत है, GD गलत हो रहा है, तरीके गलत है। सर ने रोक दिया, तो सर ने मुझसे कहा जैसे काउंटर करने के लिए देख लो ना इसके दिमाग में क्या, तो बात हो बता GD क्या होती है। मैंने GD ऐसी मिलती है ओपिनियन रखी होते हैं, रखी क्या रहा है सेंटेंस को। सर ने कहा तुम तो ओपिनियन दिए तो ऐसे ही करेंगे, एक दिन होगा दो दिन होगा GD में कुछ नहीं होगा। तो किसी दिन मैंने कहा नहीं मेरा तरीका काम नहीं करेगा, यहीं किसे करते हैं। मैं पंच लाइन लड़के आया होते तो शुरू में बोलनी होती ना पेपर क्या है, तुम अटेंशन ग्राफ करो सबको ठीक है, तुम कुछ भी दिमाग में बोल दो, पंच लाइन लड़के जाते हैं कुछ भी होगा अपने इसी से शुरू करेंगे वो कुछ भी बोलते हैं। तो उससे जो GD पर थोड़ा काम कर गया तो GD ठीक हुआ, जैसे GD ठीक हुआ तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि बाकी सब तो हो जाएगा, GD कर देंगे सब। जैसे GD का डर था मुझे, मतलब स्क्रीन में भी GD का डर था कि मैं GD में नहीं बोल पाऊँगा अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा, या फिर उधर अगर एंड हो गया तो फिर मैं GD में अच्छा परफॉर्म नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों GD बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले टास्क होते हैं। तो अच्छा इंप्रेशन भी जरूरी है कि तुम अच्छा GD करो, ताकि GD की टेंशन ना रहे। तो हालांकि फिर बस क्योंकि 12 दिन थे तो शायद 2 GD दिए थे और तीसरे में मैंने ठीक किया था, दोनों कुछ किया नहीं था, मैं चला गया 19 GD के साथ। सर ने कहा कि कुछ नहीं अब तो हो गया, बजरंग बली का नाम लो, कॉन्फिडेंस रखना, चले जाना। हाँ चले गए, कुछ 200 के करीब रिपोर्टिंग थी, जैसे तैसे स्क्रीनिंग हो गए, हम खुश हो गए, मैं तो स्क्रीनिंग पर ही खुश था, मैंने कहा क्या है अब तो स्क्रीनिंग हो गया। और तो फिर मैं इंटरव्यू सबसे बेकार पार्ट था मेरा, मतलब इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ईजी होता है पर दिक्कत होती है, अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो आप उसी को बोलना स्टार्ट करते हैं और वो निकल आता है जो शायद आप हैं भी नहीं, पर क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देखेगा आपका कि आपने जो पहले बोला तो वो मान लेगा। तो इंटरव्यू मेरा इस तरह से बिगड़ गया थोड़ा, और जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि वो समझ गया कि मैं जेई और NDA में से किसी पे भी फोकस नहीं था, या तो मैं जेई कर रहा हूँ एक तरफ ड्रॉप ले रखा है और स्कोर अच्छा है नहीं, दूसरी तरफ मैंने ये बता दिया कि मेरा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कह रहा कि क्या क्या है भाई, या तो तू NDA की कोचिंग लेके आता अटेंड से रिटर्न की पहली बार में आता पहली बार में आता, या फिर जेई की कोचिंग करता, क्योंकि मैं
वो जो डाउट था ना नाम है उसे क्लियर कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद क्लियर नहीं था, तो उससे नहीं हुआ। और यही शायद सबसे बड़ा पॉइंट रहा होगा जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, अगली बार गया फिर स्क्रीन आउट हो गया, फिर हुआ मेरिट आउट हुआ, उस बार पढ़ लो बेसिकली पाँच अटैम्प्ट किया, सबसे पहले रिटर्न नहीं निकला, फिर रिटर्न निकला, फिर स्क्रीन आउट हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हुए, फिर मेरिट आउट हुए। और हालांकि मतलब ऐसे डिफिकल्टी कुछ नहीं थी, मतलब मैं चलो के दिखाऊँ तो इतनी मेहनत की ऐसा कुछ नहीं था, सब बहुत मजे मजे हो गया, पता नहीं चला, बहुत सारे अच्छे दोस्त बने। इस बार जो ए आर बने वो मेरे साथ का था, मैं 23 था, 24 था, हालांकि उनके भी नहीं देगा, अगर कोई सोच रहा होगा नहीं देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस जर्नी में बस चेंज करो, बहुत मज़ा आया। पहली बार गया अलग पैर काफ रहे हैं, कोई इंटरव्यू अफिसर कुछ कह रहा था, मुझे है सर हाँ, और मतलब जी डी यू से पहले सारा अटेम्प्ट आके चले गए, अब वहाँ पर बैन उठ रहे हैं आधा सारा है, वो कह रहे हैं कि कोई डिस्कशन करो, तुम कर रहा हूँ। तो फिर वो अभी ज़्यादा थोड़े स्मार्ट हो जाते वही, मतलब हर बार जाओ थोड़े स्मार्ट हो जाओ, फेल फेल करते हैं वही वाला कंसेप्ट है, कुछ ना कुछ सीख लेते हो। ऐसा भी होता है कि हेल्थ में होता है कि ऐसा लोग किसी से कंपेयर कर लो कि उन्होंने कहा था कि फेल बेटर, मैं तो पिछली बार से बेकार हो गया, ऐसा होता है, हो सकता है तो पिछले बार स्क्रीन